ऑफिस में बड़ा प्रेशर था, बहुत थक गया हूँ। भैया आप सुबह से पलंग तोड़ रहे हो और फिर कह रहे हो कि थक गया था, मेरे साथ ही नौटंकी। तो ठीक है, वसुधा दी खुद ही पता लगा लेंगी कि उनकी बहन अर्चना के दिल में कौन सा वो नया प्राणी आया है। सुमन एक काम कर, मुझे अपने भैया के ऑफिस का लैंडलाइन नंबर दे दे, मुझे उनसे कोई बात करनी है। भैया के ऑफिस का लैंडलाइन नंबर? वो क्या है ना भाभी कि भैया के ऑफिस का लैंडलाइन नंबर तो मेरे पास नहीं है, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, जब भी बात करनी होती थी मोबाइल से ही हो जाती थी। हाँ वो तो है, पर उनका मोबाइल भी तो खराब है, अभी तक ठीक ही नहीं करवाया उन्होंने। ओह मोबाइल खराब है, अब हाँ काम के चक्कर में बनवाना भूल गए होंगे भाभी। अब वैसे कुछ खास काम था भाभी? वो चाचा जी मिलना चाहते थे उनसे। कोई बात नहीं, मैं उन्हें रात में बता दूंगी। अब कुछ अर्जेंट बात है भाभी? नहीं बस वो काम करने के सिलसिले में, तो टेंशन मत ले, मैं शाम को इन्हें बता दूंगी। अच्छा अब मैं रखती हूँ। अच्छा भाभी। क्या हुआ बोलना, वो लैंडलाइन नंबर क्यों मांग रही थी? चाचा जी भैया से मिलना चाहते हैं काम के सिलसिले में। लगता है भाभी ने चाचा जी से बात कर ली, भैया की एंट्री हो गई चाचा जी की कंपनी में। ये हुई ना बात, मुझे पता था वसुधा चाचा जी को जरूर मना लेगी। मम्मी हमारे मिशन की शुरुआत हो गई है। अंजाम भी हमारी प्लानिंग के अनुसार ही होगा। भैया इतनी खुशी के चक्कर पे घर पे ही मत रह जाना, शाम को निकल जाना घर से, ऑफिस से रिटर्न आने के लिए। ऑफिस से रिटर्न। मैं समझती हूँ यार, जब उनसे बात करने का बहुत मन होता है और बात नहीं होती ना तो दिल पे क्या गुजरती है। अरे ये तो मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। अजय तो भुलक्कड़ है ना, फोन कहीं पर भी रखकर भूल जाता है, फिर चाहे कितनी भी रिंग करते रहो उसे पता ही नहीं चलता। पर बाद में वापस कॉल बैक तो करता होगा ना? हाँ नहीं करेगा तो उसके कान नहीं खींचूंगी मैं। बताओ शादी से पहले ही कान खींचती है तो बाद में क्या हाल करेगी उसका। वसुधा मैम, बॉस ने आपको अंदर आने का फरमान भेजा है। जो हुक्म जनाबे आली। तो भी ना। आपने बुलाया चाचा जी? हाँ कुछ बात हुई अमर से? अभी नहीं चाचा जी, दरअसल उनका फोन अभी। कोई बात नहीं, रात को उससे बात कर लेना, कल ऑफिस जाते हुए मुझे मिलके जाएगा। जी ठीक है। और सुनो तुम्हें अभी करोलबाग जाना है, हमारे जो डीलर है ना वीके खेतान उसके पास। कोई खास बात चाचा जी? हाँ कुछ कैश पेमेंट है वो लेके आनी है, और वो एक फाइल भी देंगे उसे भी लानी है। मतलब फाइल इम्पोर्टेंट है क्योंकि कैश तो कोई भी ला सकता है। समझदार हो इसीलिए तो मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ। हाँ फाइल इम्पोर्टेंट है, उसमें कुछ नए खिलौने बनाने के टेक्निक्स है, संभाल के लाना। जी। और हाँ कंपनी की कार लेके जाना, मेट्रो से नहीं। ठीक है चाचा। हाँ जी वसुधा आ रही है आपके पास।
सुन, ये ऑर्डर फाइल जरा चेक कर लेना। हाँ, क्या हुआ, ये अचानक जाने की तैयारी? हाँ यार, मैं जरा करोल बाग जा रही हूँ कंपनी के काम से। क्यों? वाह भगवान, तेरी लीला भी न्यारी है। वो कहते हैं ना, अगर कोई किसी को सच्चे दिल से मिलना चाहता है तो सारी कायनात लग जाती है आपको उनसे मिलाने के लिए। ये क्या पहले अब बुझा रही है, साफ साफ बोलना। तुझे शायद ध्यान नहीं है, अमर जीजू की कंपनी का ऑफिस भी करोल बाग में ही है। ध्यान है मुझे। और तू भी करोल बाग ही जा रही है। हाँ, तो ये हमारी प्यारी वसुधा जी कि जिनसे आप बात करने के लिए इतनी बेकरार थी, इतनी मरी जा रही थी, उनके ऑफिस में सीधे सरप्राइज विजिट दे दीजिएगा। सरप्राइज विजिट? हाँ, तो सीधे धमक जाइएगा ऑफिस में। तुम जा तो वहीं रही हो ना। उन्हें अच्छा लगेगा। अच्छा? अरे मेरा दावा है वो खुश हो जाएंगे। और फिर तुम्हारे पास खुशखबरी भी तो है उन्हें देने के लिए। एक पंच दो काज, मिलना जुलना भी हो जाएगा और चाचा जी का संदेश भी मिल जाएगा। थैंक यू करिश्मा यार, मैं जाती हूँ अभी। मैम, चाय नहीं पी? मैं बाद में पीऊंगी। हाँ, ओके। अरे मैडम जी, कहाँ जा रही हैं आप? वहाँ मुझे अमर जी से मिलना है। अमर जी? कौन अमर जी? वही जो इस ऑफिस के मैनेजर हैं। उनसे कहिए कि उनकी वाइफ वसुधा उनसे मिलने आई है। मैडम जी, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। यहाँ अमर जी नाम का कोई मैनेजर काम नहीं करता। पर वैसे भी हमारे मैनेजर मिस्टर कोहली साहब हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो यही काम करते हैं। इसी ऑफिस से फोन किया है उन्होंने मुझे। मैडम जी, मैं सच कह रहा हूँ, इस ऑफिस में अमर नाम का कोई भी व्यक्ति काम नहीं करता। और हाँ, अगर दो चार साल पहले करता रहा होगा तो मुझे नहीं पता। अरे मैं आज की बात कर रही हूँ, आप चार साल पहले की बात कर रहे हैं। प्लीज पूछिए उनसे। बाहर एक मैडम आई हैं, वसुधा जी आपसे मिलना चाहती हैं। वसुधा भाभी? ठीक है, उन्हें भेजो। ओके सर। मैडम जी जाइए, सर आपको बुला रहे हैं। बैठिए। देखिए, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पति अमर जी ने कहा था कि वो इसी ऑफिस में काम करते हैं, पर यहाँ बाहर के लोग कह रहे हैं कि वो इस ऑफिस में काम ही नहीं करते। अब बैठिए ना। देखिए उसने, मुझे नहीं मालूम आपको कितना सच पता है और कितना नहीं, लेकिन मैं आपसे कुछ छुपा नहीं सकता। कैसा सच? यही कि आपका पति अमर सच में इस कंपनी में काम नहीं करता, लेकिन उसने आपको यहीं से इसी ऑफिस से फोन किया था, ये भी सच। आप ये कैसे पहले सुना रहे? प्लीज खुलकर पूरी बात बताइए। अमर मेरा दोस्त है, उसने शादी से पहले दो दिनों के लिए मेरा ये केबिन उधार लिया। शायद आपके फूफा जी से मिलने के लिए। उधार लिया था? हाँ, दरअसल वो बेरोजगार, वो अपनी बेरोजगारी आप लोगों से छुपाना चाहता। मैंने उसे मना भी किया कि ये आपके साथ धोखा होगा, तो उसने वादा किया था मुझसे कि वो शादी के बाद आपको सच्चाई बता देगा। वो शादी के बाद अपने चाचा की कंपनी में काम करने की भी बात कर रहा है। आप
भी वही काम करती है ना। I'm sorry कि मैंने अमर के झूठ में उसका साथ। आप विश्वास कीजिए, मुझे पूरा भरोसा था कि वो आपको सच बता देगा। अब उसने क्यों नहीं बताया सच, ये मैं नहीं जानता। I'm sorry, मुझे माफ कर दीजिएगा बस। ये क्या किया अमर ने, अपनी ही पत्नी के साथ इतना बड़ा धोखा। बेचारा चाचा जी के ऑफिस में मेरे साथ ही काम क्यों नहीं कर लेते? वसुधा यानी तुम चाहती हो कि मैं अपनी जमे जमाई जॉब छोड़ दूं? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस चाहती थी कि हम दोनों हमेशा साथ रहें। वसुधा क्या बात है, तुमने मुझे पार रो क्यों रही है, क्या हुआ बच्चा? वसुधा वसुधा प्लीज मुझे बताओ क्या बात है, देखो मुझे घबराहट हो रही है। पापा जी, हमारे साथ मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है पापा जी, बहुत बड़ा धोखा। धोखा? कैसा धोखा, और किसने धोखा दिया? इन्होंने इन्होंने बहुत बड़ा झूठ बोला है हम सबके साथ। ये काम करते ये कहीं काम नहीं करते पापा जी, कहीं काम नहीं करते। और इनके पूरे परिवार ने भी झूठ बोला, रोज झूठ बोला। चुप 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 हो जाओ, बैठो बैठो शांत। देखो तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मैं खुद अमर के ऑफिस गया था और मुझे आज भी याद है कैसा स्वागत किया था उसने मेरा। अरे रो, खुश रहो खुश रहो। अंकल जी, मैं अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत पे आगे बढ़ना चाहता हूँ, ताकि चाचा जी को लोग कहें ये देखो ये अमर के चाचा हैं। अब तुम ही बताओ क्या वो सब झूठ था? हाँ झूठ था फूफा जी, सब झूठ था। मैं अभी उसी ऑफिस से आ रही हूँ और वहाँ मुझे ऑफिस का असली मैनेजर मिला, कोहली, जो इनका दोस्त भी है। उसने मुझे बताया फूफा जी कि इन्होंने उसका केबिन 2 दिन के लिए उधार पर लिया था आपसे मिलवाने के लिए। उन्होंने
ये सब नाटक किया आपको अपना झूठा काम दिखाने के लिए। ये भी तो हो सकता है कि अमर किसी और ऑफिस में काम करता हो और तुम्हें बता नहीं पाया। अब आप ही बताइए फूफा जी, इतना बड़ा सच जानने के बाद मैं जाऊं तो कहां जाऊं? ना तो मेरा ऑफिस जाने का मन कर रहा है और ना ही ससुराल। माँ के पास भी नहीं जा सकती, कैसे नजरें मिलाऊंगी उनसे, क्या बोलूंगी उन्हें? देखो बेटी, हिम्मत रखो, इस तरह घबराने से कुछ नहीं होगा, हौसला रखकर ही परिस्थितियों का सामना करना होगा। मेरा तो मन अभी भी नहीं मान रहा है कि अमर के ऑफिस झूठी ऑफिस थी, वो काम नहीं करता। आखिर इतने दिनों तक कोई इतना बड़ा झूठ कैसे छुपा सकता है? छुपा सकता है बुआ जी, क्योंकि इनके घर में सब मिले हुए हैं, सब। देखो बेटा, कई बार चीजें वो नहीं होती हैं जो हमें दिखती हैं। ये भी तो हो सकता है कि अमर किसी और ऑफिस में काम करता हो और तुम्हें बता नहीं पाया। तो फिर उनका वो दोस्त बोली, परिधान एक्सपोर्ट का असली मैनेजर, वो क्यों झूठ बोलेगा? ऑफिस का चपरासी, वो क्यों झूठ बोलेगा? सच्चाई यही है फूफा जी कि वो कहीं काम नहीं करते, कहीं नहीं। हम सबको धोखा दिया है उन्होंने, सबको धोखा दिया है। कहीं कोहली झूठ बोल रहा हो तो? हो सकता है वो अमर से कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहा। नहीं, वो सच बोल रहा, उसकी आंखों में सच्चाई देखती है मैंने। चलो ठीक है, माना कि कोहली सच बोल रहा था, फिर भी हमें हर कदम सोच समझ कर उठाना। तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर अमर ऐसा क्यों कर रहा है। सिर्फ अपनी बेरोजगारी छुपाने के लिए या कोई और बात है? बेटी तुम तो हिम्मती हो, तुमने मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया है, इस बार भी तुम्हें करना होगा। और हाँ बेटा, अभी इस बारे में घर में किसी से बात नहीं करनी है। जल्दीबाजी में एक भी गलत कदम तुम्हारा अगर पड़ गया ना, तो उसका असर सिर्फ तुम्हारी गृहस्थी पर ही नहीं, तुम्हारे भाई बहनों की जिंदगी पर भी पड़ेगा। भाभी पर भी पड़ेगा, और अभी तो उनको 3-3 बच्चों की शादी करनी है उन्हें। देखो मन को शांत करो और तुम घर जाओ, मुझे भरोसा है तुम, इस मुश्किल से भी तुम खुद को जरूर निकाल लोगे। हिम्मत रखो बेटी, अपने फूफा पर भरोसा रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उठो जाओ घर जाओ, कब तक बैठी होगी यहां? चलो उठो, उठो ना, ये लो। हर लम्हा संघर्ष है, हर
बताओ मुझे कौन से ऑफिस में काम करते हैं तुम्हारे भैया? परिधान नाम की एक एक्सपोर्ट कंपनी है जिसका लैंडलाइन नंबर भी तुम्हें मालूम नहीं। अरे भाभी आज आप इतनी जल्दी आ गई, मैं अभी आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं सुमन, रहने दो, पी लो बेटी, ऑफिस से थक कर आई होगी। थक कर तो आई हूँ मम्मी जी, लेकिन अपने ऑफिस से नहीं, किसी और के ऑफिस। सुमन जरा मुझे बताना तो, तुम्हारे भैया कौन से ऑफिस में काम करते हैं? बात क्या है भाभी? पहले मेरी बात का जवाब दो सुमन। कौन से ऑफिस में जाते हैं तुम्हारे भैया रोज? तुम्हें तो पता ही होगा ना? तुम तो झट से उन्हें ऑफिस में फोन मिला देती हो, झट से उनसे बात कर लेती हो ऑफिस में। तो बताओ मुझे कौन से ऑफिस में काम करते हैं तुम्हारे भैया? वो एक्चुअली परिधान नाम की एक एक्सपोर्ट कंपनी है जिसका लैंडलाइन नंबर भी तुम्हें मालूम नहीं है, है ना? बेटी कुछ बताओ कि भी क्या बात है? बात ये है मम्मी जी कि मैं अभी उसी ऑफिस से आ रही हूँ, परिधान एक्सपोर्ट कंपनी के ऑफिस, और वहाँ ना तो पहले कोई अमर नाम का आदमी काम करता था और ना आज करता है। तुम्हारे भैया कहीं किसी ऑफिस में काम नहीं करते हैं सुमन, बेरोजगार है वो। शादी से पहले भी बेरोजगार थे और आज भी। तो तुम्हें सच्चाई पता चल ही गई? सच्चाई कभी भी नहीं छुपती है मम्मी जी, एक ना एक दिन झूठ की पोल खुल ही जाती है। ऐसा कोई बहुत बड़ा झूठ नहीं बोल दिया हमने? बेटा बेरोजगार है यही तो छुपाया था ना हमने। आज मेरे और उसके बीच में ना बहुत सारी बातें अपनी आने वाली जिंदगी को लेकर। मैंने प्रतीक को अपने घर की सारी परेशानियां बता दी और उसको ये भी बोला कि 6-7 महीने मैं शादी के लिए सोच भी नहीं सकती। हाँ कहा था और क्यों ना कहती, झूठ तो उन्होंने भी बोला है मुझसे, नाटक किया है मेरे साथ।